नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीटीएस न्यूज चैनल में। आज इस वीडियो के अंतर्गत सरकार के द्वारा चलाए गए एक फंड के विषय में बात करेंगे, जिसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। इस विषय में पूरी जानकारी देंगे और इसकी समय सीमा कितनी बढ़ाई गई वो भी आपको बताएंगे। खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। सरकार ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए पीपीएफ में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले समय सीमा 31 मार्च 2020 थी। अगर आपने न्यूनतम रकम ₹500 इस महीने के अंत तक जमा नहीं की है तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसी तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल मई 2020 में पैसा जमा नहीं करवा पाए तो 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं। इस तारीख के बाद पैसा जमा करने पर जुर्माना लगेगा। 30 जून तक जरूरी ये काम करना। आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने इस बारे में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसके मुताबिक पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की अगली तारीख 30 जून कर दी है। इस साल सरकार ने कुछ नियम बदले हैं पीपीएफ में, उन नियमों के बारे में बात करते हैं। सबसे बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पीपीएफ खाते में जमा रकम के नियम। पीपीएफ में जमा की जाने वाली रकम की सीमा को कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अकाउंट में कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद अब अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में या किसी नाबालिग बच्चे के अकाउंट में पैसे जमा करता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि यह रकम ₹500 से कम नहीं होनी चाहिए और यह ₹50 के मल्टीपल में होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में अधिकतम ₹1.5 लाख ही निवेश किया जा सकता है, ये तो सभी को पता है। इसके पहले पीपीएफ सब्सक्राइबर ₹5 के मल्टीपल में कोई भी रकम जमा कर सकते थे। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अब फॉर्म ए की जगह फॉर्म 1 भरना होगा। नए नियम में 12 बार पैसे जमा करने की सीमा को ख़त्म कर दिया। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, जो कि 12 बार ही आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी बार इच्छा उतनी बार जमा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, मतलब आप अगर एक महीने में एक से ज़्यादा बार भी पीपीएफ में पैसे जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी के नियम में क्या है, पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की होती है। इसके बाद अगर कोई इस अकाउंट को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ाता तो इसके लिए उन्हें मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से 1 साल के अंदर ही फॉर्म 4 जमा करना होगा। इसके लिए फॉर्म एच भरना होता है। पीपीएफ खाते से रकम निकलवाने के नियम इसी प्रकार, अगर कोई मैच्योरिटी के बाद भी बिना कोई डिपॉजिट किए पीपीएफ अकाउंट को जारी रखना चाहता है, ऐसा करने में मैच्योरिटी के समय जो भी रकम होगी उस पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके ब्याज के बारे में समय समय सब्सक्राइब को जानकारी भी दी जाएगी। अगर बिना किसी डिपॉजिट के भी पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखा जाता है तो सब्सक्राइबर को एक वित्तीय वर्ष में एक बार निकासी का भी मौका मिलेगा। मतलब कि ये कुछ नियम जो बदलाव किए हैं बहुत अच्छे हैं और पीपीएफ एक बहुत अच्छा फंड है जो सरकारी तौर पे चल रहा है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर करना ना।